और सावन के महीने में जो लोग चाहते हैं कि उनको खुशी खुशहाली मिले और परिवार में बहुत ज़्यादा बरकत हो, भागदौड़ खत्म हो और अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो, तो फौरन 4 इमली के पौधे लेकर आप किसी भी अलग-अलग जगह पर लगा दें जो पब्लिक प्लेस हो। तो आप देखेंगे कि जब ये पौधे ग्रो करने शुरू हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। अब बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, लॉजिक आपको बता दें, सबसे पहले तो सावन का महीना भगवान भोले शंकर जी का महीना होता है, सीधे सीधे चंद्रमा के ऊपर उनका आशीर्वाद होता है। यानी अगर कुंडली में 12 ग्रहों की बात करते हैं तो भोलेनाथ जी की पूजा करने से सीधे सीधे आपका चंद्रमा ठीक होता है। और फिर बात करते हैं इमली का पौधा, आखिर इमली का पौधा, जैसे ये पौधा पड़ा है, ये पौधा किस ग्रह के लिए होता है? सीधे सीधे राहु के लिए होता है। 4 पौधे क्यों लगाने हैं? क्योंकि 4 पौधों का जो संख्या होती है, 4, राहु का नंबर होता है 4। अब इमली के बारे में ये खासियत है कि इमली 8 साल बाद जो है फल देना शुरू करती है। अब 8 की संख्या की बात करते हैं तो 8 नंबर जो है शनिदेव के लिए, राहु के जो गुरुदेव शनिदेव, और शनिदेव के गुरुदेव भोलेनाथ जी, जिनका ये सावन का महीना चल रहा है। तो सीधे सीधे जो लोग भी राहु से परेशान हैं, यानी कि जिंदगी में उदासी है, भाग दौड़ है, मन खिंच रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, टेंशन आ रही है, ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी लाइफ में, तो बहुत आसानी से सावन के महीने में अगर 4 इमली के पेड़ लगा देते हैं, यानी कि घर का एक एक मेंबर, टोटल 4 मेंबर्स सिर्फ 4 पेड़ लगा दें। और लगाने किस दिन है, आप सवाल है किस समय लगाने हैं। बेस्ट डे इनके लिए बनता है संडे का दिन, और संडे के दिन वैसे सुबह भी लगा सकते हो, लेकिन अगर राहु कालम टाइम में लगाओ तो सोने पे सुहागी की बात। जो भी लोग लगाना चाहते हैं पेड़, हम आपको यहाँ से फ्री दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को याद करा दें कि बहुत साल पहले एक बाबा जी टीवी पर आया करते थे, और उन्होंने बंदे को देख के कहना कि आपने गोलगप्पे कब खाए, तो कहता जी बहुत देर होगी, कहते गोलगप्पे खा लो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब बहुत लोग इस चीज़ को मजाक में टालते थे, हंस देते थे कि ये क्या कह रहे हैं, गोलगप्पे खाने से कुछ ठीक होता है? बिल्कुल होता है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग फेस रीडर बहुत अच्छे होते हैं और बंदे के चेहरे से भांप लेते हैं कि इसका जो इस टाइम कौन सा स्टार है और गोचर में वो स्टार कहाँ पे है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। फिर उस स्टार की चीज़ें खाने को या दान करने को जब कह दिया जाता है तो उससे निश्चित रूप में उस इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अब आज के टाइम में अगर गोचर में देखते हैं तो राहु की स्थिति जो है वृष राशि में है, वृष राशि होती है शुक्र की राशि। तो जब राहु वृष राशि में होता है तो इंसान की स्त्रियां पीड़ित होनी शुरू हो जाती है, या स्त्रियों को ही पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, या स्त्रियों के कारण भी इंसान को पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जो आपको बताया, दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर राहु। जितनी जल्दी से जल्दी आप लगा सकते हैं इसको, प्लान करें और फटाफट लगा दें ताकि आपकी लाइफ में से राहु का प्रकोप खत्म हो जाए। और कुछ लोग इस वीडियो को मान लो सावन का महीना निकलने के बाद देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप संडे के दिन, राहु जी के दिन, यानी कि संडे के दिन आप ये 4 प्लांट्स इमली के जरूर लगाइए। फिलहाल बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमंदर लुधियाना इंडिया और सेम नाम से फेसबुक पेज, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं तो उनको हम एक स्पेशल हवन सामग्री, एक एंटी एजिंग क्रीम और साथ की साथ एक चंदन की धूप सिद्ध की हुई ये दे रहे हैं, और एक प्लांट भी इमली का स्पेशली गिफ्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने राहु को अच्छा कर लो, अपने राहु को ठीक कर लो। तो जिनको भी टेंशन डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, हमारी विशेष धुनी आप दे सकते हो अपने घर में और गायत्री मंत्र सुबह शाम चला सकते हो। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आपने हमें मिलना चाहते हो तो टाइम लेके आके मिल सकते हो या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का जब भी घर से जाते हैं
माँ के चरण छुके रहिए, पिताजी का आशीर्वाद लेके रहिए, गुरुजनों के बताए रास्ते पर चलिए, झूठ मत बोलिए, गाली मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया हो जाएगी, बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइएगा, नशों से परहेज करिएगा और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिएगा, आपकी सारी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। कल